दिवाली के बाद लगातार देशवासी दृढ़ संकल्प के साथ अप्रतिम धैर्य के साथ त्याग की पराकाष्ठा करते हुए कष्ट झेलते हुए बुराइयों को पराजित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस बात को देशवासियों ने जी करके दिखाया है। कभी लगता था सामाजिक जीवन की बुराइयां विकृतियां जाने अनजाने में इच्छा अनिच्छा से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन 8 नवंबर के बाद की घटनाएं हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। 125 करोड़ देशवासियों ने तकलीफें झेलकर कष्ट उठाकर ये सिद्ध कर दिया है कि हर हिंदुस्तानी के लिए सच्चाई और अच्छाई कितनी अहमियत रखती है। काल के कपाल पर यह अंकित हो चुका है कि जनशक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, उत्तम अनुशासन किसे कहते हैं। अपप्रचार की आंधी में सत्य को पहचानने की विवेक बुद्धि किसे कहते हैं। सामर्थ्यवान बेबाक बेईमान के सामने ईमानदारी का संकल्प कैसे विजय पाता है। गरीबी से बाहर निकलने को आतुर जिंदगी, भव्य भारत के निर्माण के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। देशवासियों ने जो कष्ट झेला है वो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों के त्याग की मिसाल है। 125 करोड़ देशवासियों ने संकल्पबद्ध होकर अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी है। आमतौर पर जब अच्छाई के लिए आंदोलन होते हैं तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। यह इतिहास की ऐसी मिसाल है जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं कि बीते दिनों आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान मुझे सैकड़ों हजारों चिट्ठियां भी मिली हैं। हर किसी ने अपने विचार रखे हैं, संकल्प भी दोहराया है, साथ ही साथ अपना दर्द भी मुझसे साझा किया है। इन सब में एक बात मैंने हमेशा अनुभव की, आपने मुझे अपना मान करके बातें कही हैं। भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ लड़ाई में आप एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहते। आपका ये प्यार आशीर्वाद की तरह है। अब प्रयास यह है कि नववर्ष में हो सके उतना जल्दी बैंकों को सामान्य स्थिति की तरफ ले जाया जाए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे।
अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।